हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं। अभी हमारा शो जो कल हुआ था कल ख़त्म हो गया, फिर आज रेस्ट है। बट फिर असल में हम सोचा था कि बहुत सारा जगह घूमने जाए, कल भी घूमने जाएगा बोल के, लेकिन हमको भी एक शो में घुसा दिया। कल का शो है तो आज शाम को रिहर्सल होगा, बट अभी दिन है तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। अभी यहाँ पे भैया का सामान है, आलू जो पहले लेके आया था ना, वही आलू जो अभी उसको पहुँचा गया। फिर भैया के साथ नए जगह घूमने जाते हैं तो वो जगह घुमाएगा बोले, तो चलिए दिखाते हैं आप सबको जगह। कहाँ जा रहे हैं? सरोजनी जाके आते हैं। बढ़िया बढ़िया, कहाँ जाते हैं? हम तो मॉल है, मॉल है, मॉल मॉल मॉल। कहाँ जा रहे हैं? जाके आ गया। सामान देखो शायद यही है कि मेरा ओला जो हम गलती से गलत ओला में घुस गया था एंड अभी वापस निकल गया, सड़न लग गया। अभी वेट कर रहे अपना ओला के लिए। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, हम सनस्क्रीन भी लगाया नहीं है, पता नहीं सनस्क्रीन लगाने डायरेक्ट काला हो जाता है गला मेरा। आखिरकार आ गया लास्ट में। हेलो भैया जी, चलिए चलिए भैया। दिल्ली हमेशा से इतना गर्म होता है क्या? गर्म रहता है हमेशा, क्या सर्दी में सर्दी पड़ता है, गर्मी में गर्मी पड़ता है। दिल्ली पे और लाइक जगह घूमने का जगह कहाँ कहाँ है दिल्ली में घूमने का जगह? हाँ वैसे हम तो अरुणाचल से आया हुआ है। हाँ। तो अभी हम शो दिखाने आया था। हाँ। तो इसी बार हमको छुट्टी मिला है तो एक दो दिन का। अच्छा। तो सोच रहे कि अभी कहीं घूमने जाएगा तो लाइक जगह कहाँ है घूमने का? देखो जी दिल्ली में तो बहुत सारे जगह है घूमने का, ठीक है। अच्छा। लाल किला, कुतुब मीनार, छतरपुर, बिरला मंदिर, उसके बाद आपका मुगल गार्डन, उसके बाद चिड़ियाघर। आप हमारा काम कुछ वीडियो लोड कर रहे हो? नहीं है, बस ऐसे मेरा जो सफर है ना। हाँ। वो हम दिखा रहे कि लाइक लोगों से मिलते समय बात करते ना। तो आदमी का सोच ऐसा होना चाहिए एक दूसरे का मदद हो। जी जी जी, होना चाहिए। नहीं सही सही, ये बात तो सही बोला आप। हाँ। दिल छू लिया बात। चलिए सर जी निकलते रहते। तो ये लोकेशन है, अभी हम पहुंच गया पटेल नगर और यहाँ पे मेरा हैंडसम ब्रदर जिम ब्रो किसका वायर है पता नहीं चलेगा। दिल्ली का माहौल ऐसा है, हम लोग जहाँ बैठता है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आश्रम है तो पता नहीं चलता दिल्ली कैसा है। पर यहाँ में काफ़ी दिखाई दे रहा है कैसा है, और यहाँ में उतरते ही इतना खराब से जो गर्म हवा आया था। सो दिस इज द रोड टू मेट्रो। तो अभी हम लोग मेट्रो से ट्रेवल करने वाला है एंड पहली बार हम ट्रेवल करने वाला है मेट्रो से। देखते हैं सफ़र कैसे रहता है, एक्सपीरियंस कैसे रहता है, आप लोग बताते हैं। वैसे कल का शो का कुछ एक्सपीरियंस बताओ, कैसे कैसे लगा कल का शो? हाँ कल का शो अच्छा था। अच्छा था। हाँ अभी क्या बोलेगा, अच्छा ही था। अरे अपना कंपनी का तो अच्छा ही तो था। मैं वही रहा। नहीं तो ये है हमारा मेट्रो, काफ़ी स्पीड से आ रहा है। वैसे तो हम लोग एक मेट्रो पार हो चुका था, अभी फिर दूसरा मेट्रो आया, काफ़ी जल्दी आ गया। ट्रेन का आवाज़ बहुत ज़्यादा था इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे हम बता रहा था कि हम लोग का जो लोकेशन है वो लोकेशन पहुँचने के लिए हम लोग को दो ट्रेन पार होकर जाना होगा। जो इंसान कभी मेट्रो उठा नहीं वो सोच रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हर कोई नहीं घुस सकता है, तो बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा चीप है और आप जितना भी दूर जाओ बहुत सस्ता लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ऑटो ले रहे हैं। आ जाओ कुतुब मीनार, दो सवारी है ना, आपको दो जगह दिखाता है। रास्ते में कुतुब मीनार का मार्केट है, 10 मिनट 20 मिनट जितनी देर आप देखेंगे वो फ्री होता है। कुतुब मीनार ड्रॉप करेगा जब लेगा 100 रुपीज़।
हम लोग कुतुब मीनार की ओर जा ही रहा था कि ऑटो वाला भैया ने हमें ये जगह ले आया, क्योंकि वो लोग जितना नया कस्टमर लेके आता है उतना ही वो लोग का फ़ायदा है। 100 रुपये का कूपन मिलता है हर कस्टमर पे, और हमने सोचा कि चलो आ ही गया तो थोड़ा कंटेंट बना लेते हैं, पर यहाँ घुस के पता चला कि तो फिर यहाँ अंदर घुसते कैमरा अलाउड नहीं है बोले, तो अंदर का नज़ारा तो देखने को नहीं मिला, पर ये जगह है। एंड देन फिर ये अभी हम लोग कहाँ से निकले, ड्राइवर जो यहाँ पे इसको 1 लीटर का कूपन मिला है बोले। 10 मिनट देख लेते, मेरा भी फायदा हो जाता, जल्दी आ गए। फायदा नहीं हुआ आपका? हाँ भैया जी, जल्दी आ गए आप। तो सुनने में आया कि अभी कुतुब मीनार घुसने के लिए यहाँ पे एंट्री टिकट काटना पड़ता है, तो यहाँ पे टिकट्स। आदमी ज़्यादा है लेकिन ना, मैं फाइनली भी हम लोग कुतुब मीनार पहुँच चुका है। काफ़ी लंबा सफ़र था ऑटो से, फिर गर्म गर्म हवा बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट अभी यहाँ पे जब आए तो देखे तो फिर काफ़ी सुंदर जगह है, जो बहुत पुराना पुराना सामान हो गया जगह, जो फिर ये कुतुब मीनार देख सकते हैं आप, सामने जाके दिखाते हैं आप सबको। एंड दिस इज कुतुब मीनार, इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत दिनों से सुना है, बट कभी देखा नहीं था, अभी पहली बार पास से आके देख रहा हूँ। बहुत बड़ा है ये तो, और ये देखिए काफ़ी पुराना मोनूमेंट्स लोग है, जो आई थिंक ब्रिटिश टाइम का समय से था, मगाना का गाना। पता नहीं क्या काफ़ी टूटा फूटा बिल्डिंग है, जो शायद बना रहा था लेकिन बीच में फिर रोकना पड़ गया ऐसा लग रहा है। देखिए ये पीछे तरफ में घास फूस है, अब पहले बहुत खूबसूरत था बोला, बट अभी मेंटेन नहीं किया तो काफ़ी जंगल उठ चुका है। और पीछे का नज़ारा ये जो ऐसा है, यहाँ पे लोग बैठा हुआ है, फिर ये जगह जो पता नहीं क्या बोले इसको। तो कुतुब मीनार से आने के बाद बहुत ज़रा पसीना पसीना हो गया था, ऊबर लेके आया है, हमने सोच हो गया लगभग आ गया था। उसके बाद अभी हम लोग ये प्ले हाउस एक्स में आए, नाम तो बहुत कंफ्यूजन है, एक्स यहाँ पे कुछ बॉलिंग ना होता है बोले, तो चलो देखते हैं क्या होता है अंदर में। काफ़ी एक्साइटेड है, BMW गाड़ी देखो। क्या है अंदर में? ओके जगह तो ऐसा है, काफ़ी खूबसूरत है, तो यहाँ में टेबल टेनिस भी है देखिए, एंड अभी ये गेम्स खेलने के लिए हम लोग 2000 का लेके आए, तो ये गेम्स लोग है, फिर इसके बाद वहाँ पे ये सब भी है एंड बॉलिंग भी है, देखिए काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, चलो ट्राई करें। देखा Nice shot. Direct pro hai tumhe.
तो अभी स्नूकर खेला था, काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए, अब कभी खेला नहीं है। अभी यहाँ पे बॉलिंग खेलेंगे, देखते क्या होता है। पहले कभी खेला है? खेले? ओके, फर्स्ट टाइम ना। चलिए लग आजमा के देखते हैं। कमाल भाई, बढ़िया। चिकन स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। यहाँ में, यहाँ में दो उंगली घुसाओ, इसका यहाँ में थाम दो। हाँ, ऐसा करके फेंको। हाँ, ये तो किया। After that, we came to this beautiful restaurant, Bansagar. बहुत ज़्यादा टेस्टी लग यहाँ का खाना। तो अभी इतना घूमने को और फिर रिहर्सल करने आए, काफ़ी थक गया, बट फिर भी अभी रिहर्सल करके ही जाएगा। एक बार टच हो चुका है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you so much for watching.